ये बुनियादी होनी चाहिए, चूँकि मिल्लत है तो मिल्लत इब्राहिमी वो मुसलमान है और अल्लाह ने यह नाम रखा है तो अल्लाह ने रख दिया वो नाम, तो हम बड़ी अफसोस की बात होती है जब भी किसी से कहें तो उसके बाद वो अपनी दलीलें उस पर दें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो लगाना ज़रूरी है पहचान के लिए हमारे, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे यार, मुसलमान की पहचान होनी चाहिए अपनी अपनी, तुम कहा तो फिर अपनी अपनी पहचान बना रहे। और यहाँ कहे कुरान के लोग इनकार कर देते हैं फट से, लोग डरते ही नहीं है, तसव्वुर ख़त्म हो गया अल्लाह की किताब का। कोई मुझसे पूछता है, कई बार फ़ोन करते हैं मेरे पास या कोई आता है पूछता है कि भाई हमारे लड़का हुआ बच्चा हुआ क्या नाम रखे, नाम बताओ, तो मैं कहता हूँ भाई याया रखो, तो बोले याया ये कैसा अजीब नाम तुम लाए, और इसलिए हम देखते हैं आपको मिलेगा ही नहीं याया, पूरे मोहल्ले में ढूंढ जाओ आपको नाम नहीं मिलता। अरे तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर जब बशारत दी अल्लाह ने कि हम तुम्हारे एक बच्चा तुमको देंगे और हम उसका नाम जो है, बल्कि वो हम नबी देंगे, नबी थे वो, और वो हम तुमको देंगे उसका नाम याया होगा, अल्लाह ने रख के दिया। और यहाँ हम बताएं कि भाई याया रख लो, तो बोले याया कैसे रख ले, तो अजीब गरीब नाम लग रहा है, ये क्या नाम हुआ याया। अरे भैया अल्लाह ने हुक्म दिया तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ, वो साफ इनकार कर देता है नहीं जमा, तो भाई तू फिर क्या डर रहा है अल्लाह से, मना नहीं है भाई कि सब याया ही नहीं रख ले, नहीं तो पहचान वो भाई सारे बोल ले के अंदर याया याया बल, लेकिन बताया जा रहा है तो उसके अंदर खुफे खुदा तो होना चाहिए कि भाई जब मैं तुमको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने रखा नाम, तो सबसे बेहतरीन नाम जो अल्लाह ने रख दिया, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा तो मुस्लिम रखा, और उसके बाद हम कहे कि नहीं हम तो फलाएँ, तो भाई अल्लाह से डर कहाँ बचा तुम्हारा। तो अब कामयाब जब हो सकते हम कि जब अल्लाह के हुक्म को, उसकी किताब को, चाहे उसकी किताब के खिलाफ जो भी किताबें आती हों या कहीं भी लिखा हो कोई भी बोलता हो, तो उसका क्या होगा, उसकी सबसे आखिरी अथॉरिटी कुरान होनी चाहिए, कुरान में कह दिया वो चीज़ को हमको सबसे मुकदम रखना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये इत्तिहाद भी होगा। और असल इत्तिहाद करने के बाद में क्या काम करना है, क्योंकि इत्तिहाद कर भी ले तो भी हम अकलियत में ही रहेंगे पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो असल जब कामयाब हो सकते हैं कि जब हम लोगों की भलाई के निकले, क्योंकि कुरान में हमारा जो मकसद बताया गया कि तुमको भेजा ही लोगों की भलाई के लिए गया, तो असल